शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को कोर्ट से झटका। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री। ईडी ने केजरीवाल की नहीं मानी हिरासत, केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं। केजरीवाल ने जेल में अध्ययन करने के लिए कोर्ट से 3 किताबों की मांग की। केजरीवाल ने रामायण गीता और नीरज चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स की मांग की। केजरीवाल ने किया स्पष्ट, मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलाएंगे सरकार। ईडी ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल के रवैये को असहयोगपूर्ण बताया और कहा कि केजरीवाल सवालों का जवाब सीधा नहीं देते, गोलमोल करते हैं। ईडी का आरोप, केजरीवाल ने हिरासत के दौरान अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। केजरीवाल की पेशी को लेकर पत्नी सुनीता पहुंची थी कोर्ट, कहा मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हो रही थी हाई लेवल मीटिंग, केजरीवाल को लेकर हो रहा था विचार, जेल आने की सूरत में केजरीवाल को कौन से बैरक में रखना होगा यह तय हो रहा था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं कविता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कच्चा थीवू पर संवेदनहीनता से मछुआरों को पहुंचा नुकसान। विदेश मंत्री अजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष पर देश की अखंडता एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद कच्चा थीवू मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा समझौते में द्वीप को श्रीलंका को दिया गया था, मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा था। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद में प्रचार अभियान करेंगे, 1 किलोमीटर लंबा रोड शो। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में कालका गढ़ी चौक से घंटाघर तक करेंगे रोड शो। आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव प्रचार को करेंगे तेज। अमित शाह जोधपुर, पाली, जालौर, सीहोर के बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख का सम्मेलन का होगा आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। अमेरिका के मैरीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थकों ने कार रैली का आयोजन किया। लोग ने लगा आपकी बार 400 पार और मैं हूं मोदी का परिवार के नाम। मैं हूं मोदी परिवार। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, सूची में 40 नाम। पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है, सोनिया गांधी करेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने की तारीख बदली, 4 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी ने किया बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, जुटे हजारों कार्यकर्ता, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधन, प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया। विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। लातूर में वडार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, SC ST कैटेगरी में शामिल ना करने की वजह से समाज में नाराजगी है। सोनपुर में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने किया पूजा पाठ, लालू रावड़ी भी साथ नजर आए। मीसा और रोहिणी आचार्य के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत, लालू यादव को किडनी दान देने और अपने ट्वीट को लेकर खासी चर्चा में।
गाजीपुर पहुंचे आईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर बेटी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, मुश्किल घड़ी में हम उनके खानदान समर्थक और चाहने वालों के साथ। धुबरी में बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हेमंता पर पलटवार किया, हेमंता के एक और अपने सात बच्चों का दिया हवाला। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का भी जारी कर दिया। समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शामिल हुए। आरबीआई स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही निकल कर आते हैं। बैंकिंग सेवा को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पिछले 10 साल में बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव निकल कर आए। मथुरा में चैतन्य महाप्रभु की 1008 चरण पादुकाओं का किया गया अभिषेक, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। चैतन्य महाप्रभु की 1008 चरण पादुकाओं के अभिषेक में शामिल हुए विदेशी भक्त भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रंग में नजर आए। करौली के शीतला मंदिर में शीतला अष्टमी के अवसर पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। दिल्ली में हॉकी इंडिया छठा वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन हुआ, कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र की पहली वर्षगांठ समारोह का आयोजन हुआ, नीता अंबानी शामिल हुई। नीता अंबानी ने कहा पिछले 366 दिनों में हमने एनएमएससीसी में 670 कलाकारों, 700 शो और 10 लाख से अधिक दर्शकों की मेजबानी की। मंगलुरु के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बाघ के बाड़े में लगाए गए हैं पंखे, अन्य जानवरों के बाड़े में पानी का छिड़काव। उधमपुर में घायल सांभर के लिए देवदूत बनकर निकल कर आए वन विभाग के कर्मचारी, नहर में डूब रहे सांभर को रेस्क्यू किया। गुवाहाटी में जोरदार बारिश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा ढह गया। जोरदार बारिश के चलते गुवाहाटी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की खुल गई कलाई, पूरे एयरपोर्ट के भीतर झरने से गिरता नजर आया पानी। एयरपोर्ट की कैंटीन का बुरा हाल, बारिश के पीछे खुले आसमान जैसा नजारा देखने को मिल रहा। जोरदार बारिश में गुवाहाटी एयरपोर्ट के रनवे पर दरिया जैसा नजर आया हालात, जलभराव संकट। असम के जोरहाट में भी बर्बाद तूफान का कहर, कई घर तबाह। मणिपुर के थौबल में बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, ओलावृष्टि, तस्वीरें निकलकर सामने आई। थौबल में तूफान ने उजाड़े तमाम आशियाने, लोगों के घरों में घुस गया पानी, भारी नुकसान। जलपाईगुड़ी में तूफान और ओलावृष्टि से बरप गया कहर, 5 लोगों की मौत, कई घायल। तूफान ने जलपाईगुड़ी में तबाह किए तमाम आशियाने, ढहे आशियानों के तले दबे इंसान और मवेशी। जलपाईगुड़ी में तूफान के दौरान हवा की रफ्तार का टूटा कहर, जड़ों से उखड़ गए पेड़। तूफान और ओलावृष्टि के शिकार हुए लोगों से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, घायलों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे। जलपाईगुड़ी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है, 1-2 दिन तक जारी रहेगा बारिश और तूफान। कुल्लू मनाली में मार्च के अंत तक बरसेगी बर्फ, हर तरफ देखिए बस मोटी चादर। अटल टनल के पास जमीन 2 फीट, अब मोटी बर्फ की मोटी चादर, आवाजाही प्रभावित।
बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार, कई सामानों का जब्त किया। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब जब्त, तस्कर खराब। झालावाड़ में भी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 60,000 रुपए की अवैध शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के मामले में फरार 10,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैमूर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के मामले में फरार आरोपी ने किया गिरफ्तार, उसको हथियार भी बरामद किए गए।